आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश पटेल उरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उरी ऑनलाइन क्लासेस की आज इस लेक्चर में आप मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भूगोल और पर्यावरण दोनों से संबंधित टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। मैं उरी ऑनलाइन क्लासेस आगामी 5 अगस्त से इंग्लिश ग्रामर का एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है सुबह 8 बजे से, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके तहत आप 5 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास लेने के लिए आप 9174668888 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व MAB ये क्या चीज है। दूसरे टॉपिक में अपन देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हमारे भारत में कितनी है, कौन कौन से राज्य में ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है और कब कब इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब तीसरे इसके अंतर्गत यदि हम जानें कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वे क्या स्थितियां हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर बायोस्फीयर रिजर्व का क्या किया जाता है, घोषणा किया जाता है। करते हैं पहले बिंदु पर, आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व MAB ये सब होते क्या है। आपने एक संस्था यूनेस्को का नाम सुना होगा, 1945 में इसका गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने मानव और प्रकृति का सीधा संबंध जोड़ने के लिए इनके संबंधों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, मजबूत करने के लिए 1971 के दशक में एक प्रोग्राम चलाया जिसे MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। और इसी MAB के तहत यूनेस्को जो है विश्व के प्रत्येक देशों में जहां जहां पर उचित होना चाहिए वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करता है। तो अभी हमने देखा कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित करता है, यूनेस्को घोषित करता है। तो आइए परिभाषित करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा घोषित वह सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिदृश्य होता है जिसके अंतर्गत प्रजाति, वनस्पति, जीव के शोध और अनुसंधान, उसके संवर्धन और उसके विकास को क्या करते हैं, हम बढ़ावा देते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को अपन सुरक्षित करते हैं। और इसी उद्देश्य से यूनेस्को क्या करता है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करता है। बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने के मूलतः 3 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। 1, जीव व वनस्पति को उसके ही प्राकृतिक अधिवास पर संरक्षित करना, साथ ही साथ पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम के संरक्षण के अध्ययन, संरक्षण, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, और तीसरी चीज प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी और गैर नुकसानदेह इस्तेमाल को बढ़ावा देने के इन 3 उद्देश्य के कारण ही बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को मान्यता प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना जो है संसद के अनुमोदन से हो सकता है, लेकिन वह MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व तभी कहलाएगा जब यूनेस्को उसे क्या करेगा, मान्यता प्रदान करेगा। इस बात को भी आपको याद रख। आइए अब जान लेते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वर्तमान में अभी 2020 तक भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में स्थापित है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में केवल और केवल 11 को ही
यूनेस्को क्या किया है, एमएबी या फिर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में रखा है। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व को पहले क्षेत्र के हिसाब से बांट लेते हैं, उसके पश्चात देखते हैं कि कहां कहां पर किस क्षेत्र में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। जैसे कि ये आपका ऊपर वाला हिस्सा आप मान लीजिए उत्तर भारत है, ये क्षेत्र जो है आपका पश्चिम भारत, ये आपका पूर्व भारत और ये आपका दक्षिणी भारत। ठीक, तो दक्षिणी भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व संख्या है 5, जबकि उत्तर भारत में आप 2 पाएंगे, पश्चिम भारत में इसकी संख्या है 1, मध्य भारत में इनकी संख्या है 3 और पूर्वी भारत में आप टोटल 7 बायोस्फीयर रिजर्व पाएंगे। ठीक है, 7, 3, 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18। ठीक, जो पश्चिम क्षेत्र में 1 बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक कौन सा, कच्छ का रण। आपको याद रखना है कि इस कच्छ के रण को ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, ज्ञान भारती बीएसआर भी कहते हैं गुजरात के कच्छ रण के। ठीक है, इधर मध्य वाले क्षेत्र में आपको 3 मिलेंगे, एक आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, दूसरा आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और तीसरा एमपी और सीजी में आप पाएंगे अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये मध्य क्षेत्र में भारत के 3 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से, एक पचमढ़ी, दूसरा पन्ना और तीसरा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, उत्तर में आपको 2 नजर आएगा, एक उत्तर के उत्तराखंड में आपको नजर आएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और इसके ऊपर आप एक पाएंगे हिमाचल प्रदेश में जिसे शीत मरुभूमि या फिर शीत मरुस्थल या फिर इसे कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, ये उत्तर में स्थित 2 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इधर दक्षिण में कितने हैं, 5 है, 5। सबसे पहले ये आपका अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, कहां पर, दक्षिण में। उसके बाद श्रीलंका और इधर भारत के बीच में एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये जो है मन्नार की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में आता है, वो भी तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। ठीक, खाड़ी वह पानी का समूह होता है जो 3 ओर जमीन से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। तो मन्नार की खाड़ी भारत में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से एक है। इसके पश्चात ये आपका केरल राज्य, केरल में आपको याद रखना है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगस्त मलाई बीएसआर कहां पर, केरल में। ठीक, अगस्त मलाई के बाद आप कर्नाटक तमिलनाडु इन 3 क्षेत्र में यानी कि कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर रिजर्व पाएंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो नीलगिरी की पहाड़ी, विशेष रूप से इसे याद रखना है। ओके, उसके पश्चात थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ऊपर, यहां पर शेषाचलम की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां, और इस शेषाचलम की पहाड़ियों को भी क्या घोषित किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये दक्षिण के 5, एक ग्रेट निकोबार, दूसरा मन्नार की खाड़ी, तीसरा केरल में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, चौथा नीलगिरी बायोस्फीयर तमिलनाडु केरल और कर्नाटक 3 में, और 5वां जो है शेषाचलम की पहाड़ियां। ठीक, पूर्वी क्षेत्र में कितने बताया मैंने, 7 बताया। ठीक, एक आपका ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। ठीक, एक आप याद रखेंगे ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा पाल, सिमलीपाल। ठीक, ओके, इसके ऊपर मेघालय में आपको नजर आएगा नाकरेक, कौन सा बायोस्फीयर, नाकरेक बायोस्फीयर भी है, कहां पर, मेघालय में। ठीक, उसके पश्चात एक आप याद रखें सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखें दिहांग और दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा, दिहांग और दिवांग, और असम में आप 2 याद रखें
एक है मानस बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत के 18 बायोस्फीयर। एक बार 18 बीएसआर को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सा शीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डिजर्ट। दूसरा उत्तराखंड में याद रखें आप नंदा देवी। तीसरा आप याद रखें सिक्किम में कंचनजंगा। चौथा याद रखें अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग बीएसआर। पांचवा याद रखें मानस असम में। छठा याद रखें असम में ही डिब्रू सैखोवा। सातवां याद रखें मेघालय में नौकरेक। ठीक, आठवां याद रखें पश्चिम बंगाल में सुंदर वन का डेल्टा। नौवां याद रखें ओडिशा में सिमलीपाल। दसवां याद रखें आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां। ठीक, इधर आप तीनों राज्य में कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में याद रखें। ग्यारहवां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी। 12 याद रखें आप अगस्त मलाई। ठीक है, ये कहां मिलेगा आपको, केरल में। ठीक, यहीं पर इधर तमिलनाडु के नीचे समुद्र के अंदर याद रखें मन्नार की खाड़ी। उसके बाद याद रखें यहां पर अंडमान के निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, फिर इसके आगे इधर चलिए कच्छ के रण में, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, उसके बाद याद रखें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद याद रखें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और अंत में एमपी और सीजी। ये दोनों कहां है, एमपी में। एमपी और सीजी में याद रखें अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के इस टॉपिक में सबसे कठिन कार्य है उनके स्थापना वर्ष को याद रख पाना। और ये रट के याद भी रख लोगे तो ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, इसीलिए मैं इसे जो है, जो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 3 अलग अलग चरणों में तोड़कर बताऊंगा। ठीक है, पहला चरण आप याद रखें 1986 से लेकर के 1990 तक। दूसरा आप याद रखें 1991 से लेकर के सन 2000 तक। ओके, और तीसरा याद रखें 2001 से लेकर के वर्तमान तक। इन्हीं 3 चरणों में आपको क्या मिलता है, इन बायोस्फीयर रिजर्व के गठन का। पहला चरण जो 1986 से लेकर के 1990 तक है, इनमें पहला याद रखें आप 1986। इस 1986 में एक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होता है और वो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। राज्य देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित होता है। इसके पश्चात इस चरण में आप याद रखें 1988-1988, इस दौरान 2 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होता है। एक उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और दूसरा मेघालय में नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, इसके पश्चात 1989 भारत में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व इसी सन में स्थापित होता है, टोटल 4। ठीक, एक याद रखेंगे आप ऊपर में मानस असम में मानस बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आप याद रखेंगे सुंदर वन का डेल्टा। ठीक है, ओके, और एक आप याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी। ठीक, कब, 1989 में। और चौथा स्थापित होता है ग्रेट निकोबार। तो इस पहले चरण में टोटल 1986 लेकर के 1990 के बीच में 7 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होता है। नीलगिरी 1986, नंदा देवी नौकरे 1988, मानस सुंदरवन मन्नार और ग्रेट निकोबार, ये चारों के चारों 1989 में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। 1986 से लेकर के 1990 तक कुल 7 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। दूसरे चरण में 1991 से लेकर के 2000 के बीच में 5 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं।
जिसमें सबसे पहला 1994 में एक स्थापित होता है जिसे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, और ये सिमलीपाल कहां पर? ओडिशा में स्थापित किया जाता है। उसके बाद इस 1997 में एक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है, और वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है डिब्रू सैखोवा असम में स्थापित होता है 1997 में। देन आफ्टर 1998 में एक और बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करते हैं, और वो स्थापित होता है दिहांग दिबांग, और ये दिहांग दिबांग स्थापित किए जाते हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चौथा आपको याद रखना है 1999 इस 1999 के वर्ष में एक और बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या में बढ़ोतरी होती है, और ये जो है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को क्या किया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया जाता है। और इस चरण के आखिरी दौर में सन 2000 में एक और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होता है, और वो इस सिक्किम में कंचनजंगा को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं कंचनजंगा को, और ये कहां पर? सिक्किम में। ये दूसरे चरण में टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखते हैं तीसरे चरण में, तीसरा चरण 2001 से लेकर के वर्तमान तक, इस दौरान कुल 6 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। कितने? टोटल 6 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है। पहला स्थापना 2001 में एक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित होते हैं, और ये केरल के अगस्त मलाई पहाड़ी को क्या किया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है 2001 में। इसी क्रम में आपको याद रखना है 2005 में एक और बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करते हैं, और ये दो राज्य में हमारे छत्तीसगढ़ के अचानक मार और अमरकंटक मध्य प्रदेश के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या करते हैं? एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं। और आपको याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जो 2005 में देश का 14th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित होता है। इसके पश्चात आपको डायरेक्ट 2008 में याद रखना है, 2008 में एक और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना होती है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है कच्छ के रण को बनाया जाता है। गुजरात में स्थित कच्छ के रण को 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करते हैं। ठीक, देन आफ्टर 2009 में एक और बायोस्फीयर रिजर्व आता है सामने में, और वो बायोस्फीयर रिजर्व जो 2009 में स्थापित होता है वो है शीत मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? शीत मरुस्थल, और ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में घोषित किया जाता है। देन आफ्टर 2010 में एक और स्थापित होता है, और ये स्थापित किया जाता है आंध्र प्रदेश में शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम की पहाड़ियों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है कब? 2010 में। और अंतिम और 18वें नंबर का, जिसे सबसे नवीनतम आप कह सकते हैं, 2011 में एक लास्ट स्थापित हुआ है अभी तक, और वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बीएसआर। ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो देश का सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ आपको याद रखना होगा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा है, ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश वाला, कोल्ड डिजर्ट या शीत मरुस्थल जिसे शीत मरुभूमि भी कहा जाता है,
ये नदर्न मोस्ट या फिर देश का सबसे उत्तरतम क्या है, कोल डिजर्ट, सबसे उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व है। बात करें कच्छ के रण की, तो ये कच्छ का रण जो है इसकी दो खास बात है, ये वेस्टर्न मोस्ट या फिर सबसे पश्चिम में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके। और इसके साथ ही साथ ये देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट इन एरिया, दैट इज कच्छ का रण, ओके। उसके बाद सबसे दक्षिणतम में आपको याद रखना है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्या है, सबसे दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तो सारे के सारे कुल देश में स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आपको याद रखना है कि इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व से केवल और केवल 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल है। इसलिए मैं कहना चाहे तो आप यह कह सकते हैं कि भारत के कुल जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से केवल एक और एक यानी कि 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा क्या है, मान्यता प्राप्त है। देखिए वो 11 कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप याद रखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, ये क्या है, भारत के यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद याद रखिए नौकरेक जो कि मेघालय में स्थित है, ये भी एमएबी में क्या है, शामिल है। अब आपको एक बात याद रखिए, जो मैं बॉक्स बनाऊंगा वो सारे के सारे किसमें हैं, एमएबी में शामिल है। उसके बाद याद रखिए ये नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, ये भी कैसा है, एक एमएबी है। इसके अलावा सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये किसमें शामिल है, यूनेस्को के एमएबी नेटवर्क में शामिल है। साथ ही साथ याद रखें मन्नार की खाड़ी भी किसमें शामिल है, एमएबी शामिल है, ओके। और ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, ये भी एमएबी या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके बाद देखिए ओडिशा का सिमलीपाल भी एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। इसके बाद याद रखें मध्य प्रदेश का पचमढ़ी भी इस नेटवर्क में है, और साथ ही साथ याद रखें सिक्किम का कंचनजंगा भी इस नेटवर्क में शामिल है। इसके साथ साथ आपको याद रखना होगा केरल का अगस्तमलाई भी यूनेस्को के एमएबी नेटवर्क में है, और अचानक अमार अमरकंटक भी इसमें क्या है, शामिल है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। सबसे खास बात आपको याद रखना है ये जो हमारा सिक्किम का कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा राज्य या देश का 11वां मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, 11वां सबसे लेटेस्ट कौन सा है, कंचनजंगा है, क्लियर। तो ये भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा, कोल डिजर्ट, सबसे दक्षिणतम ग्रेट निकोबार। इसके साथ यदि आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिए जो असम का डिब्रू सैखोवा है, इट इज स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। डिब्रू सैखोवा देश का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और अंतिम समय में हम देखते हैं चयन एवं मापदंड, आखिर यूनेस्को ने क्या पैरामीटर्स तय किए हैं जिसके आधार पर किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। साथ ही साथ एक बात आप याद रखेंगे कि किसी भी देश का संसद पार्लियामेंट किसी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकता है, लेकिन यदि उसे यूनेस्को मान्यता दे दे तब उसे क्या कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। यूनेस्को जो है जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का चयन करता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें से एक तीन बातें आपको विशेष रूप से याद करनी है कि पहली ये कि उस क्षेत्र में सांस्कृतिक व जनजातीय परंपराएं विद्यमान हो, या वो क्षेत्र सांस्कृतिक एवं जनजातीय परंपरा से क्या हो,
ओतप्रोत हो, उस क्षेत्र में विशिष्ट प्रजाति व वनस्पतियों का अधिवास हो, ठीक है, अन्य वनस्पतियों का क्या हो, अधिवास या फिर निवास हो, ठीक। तीसरी जो सबसे खास बात है कि उस क्षेत्र में दुर्लभ एवं संकटापन्न इनडेंजर्ड प्रजातियां क्या हो, मौजूद हो। इन तीनों को आधार बनाकर यूनेस्को क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने की बात रखता है। क्लियर। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व रहा। इसके बाद जल्द ही मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आप जो है विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस सभी विषयों का चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स पर अपना इच्छा जाहिर करें यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारा नंबर जो है ऐड है, ठीक है। वीडियो को यदि आपको पसंद आता है